वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। सो होपफुली 25 तारीख का सभी लोगों को वेट था कि एनरोलमेंट लिस्ट जारी होने वाला है, और ओबियसली अभी ये हो चुका है जारी लगभग 5 बजे के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे, और एक अच्छी खबर ये भी है कि यहाँ पे इस बार एनरोलमेंट में काफ़ी सारे कैंडिडेट को जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है एज ए मेन कैंडिडेट, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस जो है दिए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडिडेट टैब में आएंगे, यहाँ पे आपको बताया पीएसएल वाले एनरोलमेंट वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे। एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे, देखिए 25 जनवरी फॉर इंटेक 1/2021, और इसका जो है सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्स ग्रुप की, तो मैं इसको एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद में वाई ग्रुप की है, और इसमें जो है देखिए वाई ग्रुप में अलग अलग ट्रेड होते हैं, तो बाकी ऑटो टैग के लिए तो जो है अलग से आता है, एयरफोर्स सिक्योरिटी के लिए अलग आता है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए अलग आता है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले हम जैसे कि एक को ओपन कर लेते हैं। से है ये है आपके पास में एक्स ग्रुप, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ओके, ये ओपन होता है तब तक थोड़ा सा। ओके गाइस, सो ये एक्स ग्रुप के लिए भी ओपन हो चुका है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपके लिए दिए गए हैं, इसको भी हम एक बार ज़रूर से पढ़ेंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्स ग्रुप का जो एनरोलमेंट है वो 8 मार्च से यहाँ पे प्लान किया गया है, और 8 मार्च के बाद में होगा। इस पर पहले वाई ग्रुप का जो है होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कैंडिडेट का जो नाम है, ये इसका फर्स्ट नंबर है, तो ये मेरिट पोजीशन को नहीं दिखाता, पीएसएल मेरिट पोजीशन दिखाता है। ठीक है, ये रोल नंबर है, ये एएससी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे फर्स्ट एएससी जो है अंबाला कैंट से जो है इनका सिलेक्शन हुआ है, ईटीएस बेलगाम इनको जाना है, और देखिए इनका जो है रिपोर्टिंग है वो है 6 फरवरी को दिया गया है। ठीक है, तो एक मिनट, ये कुछ और होगा फिर 8 मार्च को अगर ये बोल रहे हैं तो 8 मार्च। ठीक है, एडिशनल, ओके सर, एडिशनल है। देखिए 8 मार्च तक इनका एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा एक्स ग्रुप का, उसके बाद में जो है एडिशनल एनरोलमेंट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस एक बार सबसे पहले मैं लास्ट में चलता हूँ, लगभग 2600 कैंडिडेट यहाँ पे जो है सेलेक्ट किए गए हैं। ओके, सो लास्ट पेज पे देख सकते हैं 2604 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, और लगभग 600 कैंडिडेट का मेन मेडिकल ड्यू है अभी। ठीक है, तो वो भी चिंता ना करें, मेडिकल होने के बाद में आपको भी सेलेक्ट कर देंगे। और देखिए लगभग जो है सभी का जो है, देखिए यहाँ पे कॉल एज मैन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो गाइज इस बार जो है सभी को जो है लगभग यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे अलग अलग चरण में ये ज्वाइनिंग होगा, जैसे 6 तारीख से है, फिर 22 फरवरी तक ये ज्वाइनिंग चलेगा। जैसे देखिए किसी का 26 भी दिखा रहा है, किसी का 23 दिखा रहा है, तो अलग अलग एएससी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग डेट्स को यहाँ पे दिया गया है। कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी भी बाकी है, तो वो पूरा करवा ले, सीएसवी यहाँ पे जिसका भी यहाँ पे रिमार्क दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा पहली बात तो, कि एक्स ग्रुप वाले कैंडिडेट में देखिए, अब मेरे को तो ये लगता है कि जो रैली वाले कैंडिडेट है सभी आ गए होंगे, लगभग 2600 आसपास कैंडिडेट है। रैली के अलावा जो अभी पिछली जो एनरोलमेंट थी उसके भी कैंडिडेट, तो अगर आप पिछले एनरोलमेंट के हैं तो अपना नाम यहाँ पे और ये सर्च करके बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ या नहीं, और हुआ तो आपके कितने मार्क्स थे, ये सब चीज़ें आप जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये मुझे ओबियसली नहीं पता चल पाएगा। एक बार इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एएससी के अकॉर्डिंग दिया गया है, रोल नंबर यहाँ पे जो है आपका जो मेरिट पोजीशन को नहीं इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ई कॉल लेटर जो है आपका वो मेंशन कैंडिडेट हुआ है, अपीयर इन एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड स्टार हैव बीन अपलोडेड इन कैंडिडेट लॉगिन आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है कैंडिडेट टैब में लॉगिन करके आप यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है वहाँ पे कॉल लेटर, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कॉल लेटर ऑफ रैली कैंडिडेट हैव बीन सेंट ऑन देयर ईमेल आईडी एज मेंशन बाय द ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट रैली। और देखिए अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते रैली वालों का, तो रैली वालों को जो है ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। ठीक है, और इन केस ई कॉल लेटर इज नॉट रिसीव बाय कैंडिडेट हुज नेम फिगर इन एनरोलमेंट लिस्ट ही इज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द पेज। देखिए ये हर बार होता है कि अगर किसी का एनरोलमेंट नहीं आता है, एडमिट कार्ड, सॉरी कॉल लेटर, एडमिट कार्ड कितनी बार आएगा, तो यहाँ पे उनको क्या करना है, ये जहाँ पे भी उसका नाम इंडिकेट हो रहा है उसका प्रिंट आउट उस पेज का निकला के, और जो रिपोर्टिंग डेट मेंशन है वहाँ पे चले जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू बी अहेड बाय द कैंडिडेट कोविड-19 अंडरटेक। ठीक है, कंसेंट फॉर्म इफ एप्लीकेबल, अगर ये आपको जो है जरूरी है, अगर आपके लिए लागू होता है, तो कोविड-19 का जो है आपको कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा बाद में, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन एंड अदर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो यहाँ पे वेबसाइट पे कुछ फॉर्म्स होंगे जो पिछला इंटेक हुआ था उसमें भी फॉर्म भराए थे, क्योंकि कोविड की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, कैंडिडेट फिगर इन वन और मोर पीएसएल पब्लिश ऑन द सेम डेट विल बी कॉल एनरोलमेंट इन ओनली वन ग्रुप ट्रेड एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो जैसे किसी का वाई ग्रुप में भी हो गया, एक्स में भी हो गया, तो उनमें से एक ही जगह पे उनको जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो ट्रेड जो है वो एयरफोर्स डिसाइड करेगा खुद ही। ठीक है, कैंडिडेट अपेयरिंग इन द मोर देन वन पीएसएल पब्लिश ऑन द सेम डेट इन इफ ए कैंडिडेट एबसेंट एक्सप्रेस
unwilling to join the Indian Air Force या trade group in which he is called enrollment, his candidature will automatically cancel for all existing PSL. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अगर एबसेंट हो जाता है तो भाई देखिए कोई चांस नहीं दिया जाएगा। और एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट भी आएगा एक्स ग्रुप का, इसमें 8 मार्च को ये पब्लिश होगा। ठीक है, और यहाँ पे एयरमोन सेलेक्शन की वेबसाइट पे 25 फरवरी को जो है ये एनरोलमेंट पब्लिश हो चुका है आपके लिए। एंड दिस वुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट एंड मेडिकल फिटनेस रिसीव एट सेंट्रल एयरमैन सेलेक्शन बोर्ड फॉर द अवेलेबल वैकेंसीज इन टेक 1/2021। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो एनरोलमेंट है वैकेंसी के अकॉर्डिंग है, और सेंट्रल एयरमैन सेलेक्शन की वेबसाइट पे आपको जो है भेज दिया, ये अपलोड किया गया है, और अभी ये जो है आपको ईमेल भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक ये जो इंटेक आपको जो है बताया गया 1/2021। ठीक है, डेफिनेशन इफ द एरानी एरिसिंग ड्यूरिंग एनरोलमेंट ई कॉल लेटर विल बी मेल्ड ऑन द ईमेल ऑफ द कैंडिडेट फिगर इन एडिशनल एनरोल लिस्ट ऑन द डेट ऑफ सेड इट्स इज पब्लिश। ठीक है, तो जिस डेट को पब्लिश होगा ईमेल पे भी एडिशनल वालों को भी भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है कि कैंडिडेट कॉल फॉर एनरोलमेंट विल बी सब्जेक्ट टू प्री एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन प्रियर द एनरोलमेंट इन एयरफोर्स। देखिए ये जो होता है हर बार जब भी आप सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे ही आपको रिपोर्ट करना है, और वहीं पे आपका जो है प्री मेडिकल एक होता है, इसमें घबराने की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चेकअप होगा। ठीक है, एनरोलमेंट प्रोसेस ऑफ ASC मे टेक 1 full day टू कम्प्लीट, देयरफॉर कैंडिडेट एनरोलमेंट इन इंटेक 1/2021 बेस्ड ऑन द मेरिट मेडिकल फिटनेस प्री एनरोलमेंट मेडिकल एंड अवेलेबल वैकेंसी एडवाइज टू गेट देयर रिजर्वेशन डन डायरेक्टली फ्रॉम एयरमैन सेलेक्शन सेंटर टू द डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज गिवन इन द एबल टेबल बिलो फॉर द नेक्स्ट डे ऑफ एनरोलमेंट सो एज टू रीच द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज मेंशन इन देयर कॉल लेटर अंडर ओन अरेंजमेंट विद 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। ठीक है, जैसे ये पहले जैसे आपको अगर ASC में बुला रहे हैं वो अभी आपको एडमिट कार्ड सॉरी कॉल लेटर में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वो ASC में बुला रहे हैं तो ASC से जस्ट अगले दिन आपको जो है जैसे रिपोर्टिंग जो दिया गया है एंड यहाँ पे आपको जाना है ट्रेनिंग के लिए, वो जैसे उस सेंटर पे आपको पहुँचने के लिए आप चाहें तो प्री बुकिंग कर सकते हैं। इफ़ एनरोलमेंट डेट इज डिफर्ड इन लाइट ऑफ COVID-19 पैनडेमिक द सेम वुड बी कन्वे टू द करेक्टेड थ्रोड ए नोटिस ऑन CSB वेबसाइट। तो देखिए यहाँ पे बोला जाएगा अगर कुछ डिले होता है या कुछ अपडेट होता है तो ओनली आपको एयरफोर्स की ये जो वेबसाइट है airmanselection.cdac.in, ठीक है, इस पर मिलेगा। फॉर एनी क्यूरी कैंडिडेट आर टू कॉन्टैक्ट देयर रेस्पेक्टिव ASC। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ASC से कनेक्ट कर सकते हो। तो देखिए ये मैंने सबसे पहले एक्स ग्रुप का लिया, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन बताया, सभी में ये चीज़ सेम लिखा गया है। अब सबसे पहले अगर मैं वाई ग्रुप में आता हूँ तो वाई ग्रुप में भी देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें जो है वाई ग्रुप का सबसे मेन ट्रेड यही है, उसके बाद अंदर जो है ये एक्सेप्ट करते हैं कुछ ट्रेड्स को, तो उनका अलग दिया गया, जैसे एयरफोर्स सिक्योरिटी का आ गया, मेडिकल असिस्टेंट अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक बार मैं आगे करता हूँ उसको। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसमें भी मेन मेडिकल ड्यू लिखा गया है बहुत सारे कैंडिडेट का, तो इनको चिंता करने की जरूरत नहीं। डॉक्यूमेंट्स के लिए CSV दिया गया है, इनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आप अपने रेस्पेक्टिव ASC पे जाके 15 दिन के अंदर ये काम करवा लीजिएगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट बात यह है कि आपको मेडिकल मेन ड्यू है, तो वो क्यों ड्यू है वो भी थोड़ा सा आपको या तो अगर आपको मेडिकल हो गया है तो आप उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं इसका रिगार्डिंग। देखिए 640 कैंडिडेट को यहाँ पे दिया गया है जो कि बहुत ही कम है, पिछले बार भी एटलीस्ट 900 था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो वाई ग्रुप में तो भाई चांसेस कम है, लेकिन एक्स ग्रुप में बहुत सारी वैकेंसीज इस बार देखने को मिली। अब एयरफोर्स का ये जो अलग ट्रेड है, देखें इसमें कौन सा ट्रेड किया गया है, IAFS। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सभी में सेम है, और इनका भी रिपोर्टिंग 8 फरवरी से ही हो रहा है, और ये आप देख सकते हैं इसमें 6 ही पेज हैं, मतलब इसमें कम कैंडिडेट हैं, 115 पेज हैं एक्स ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं। तो एक्स ग्रुप में तो लगभग सभी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, और 100 कैंडिडेट को यहाँ पे लिखा गया है। इसमें तो देखिए हाइट भी ज़्यादा चाहिए होता है, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। ठीक है, ये मेडिकल असिस्टेंट है और इसमें भी 8 पेज हैं, तो लगभग इसमें भी कैंडिडेट कम ही होंगे। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो भाई इसमें कितने कैंडिडेट हैं, 150 के आसपास कैंडिडेट इसमें है, और इसमें भी मेन कैंडिडेट को ही यहाँ पे शामिल किया गया इस बार। और ये ऑटो टेक एंड IAFP पुलिस के लिए आप देख सकते हैं, इसमें जो है लगभग 29 पेज हैं, तो इसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए। ये रैली से मोस्टली होते हैं, IFS और IFP लिखा हुआ होता है। 634 कैंडिडेट जो है यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है
फेयर फॉर ऑटो टैक ओनली। देखिए इसमें पहले ही लिखा गया है कि ये ओनली ऑटो टैक के लिए हैं, इसमें कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, फिजिकल फिटनेस अलग से रिक्वायर्ड होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है मेंशन रखें। इसमें स्टैंड बाई और मेन कैंडिडेट जो है दोनों इंक्लूड हैं। स्टैंड बाई के लिए जो है चांसेस थोड़े कम होते हैं, मेन कैंडिडेट का जो है आप ये मान सकते हैं श्योर है अगर उनका प्री मेडिकल कंप्लीट हो जाता है। बस अब फाइनल स्टेज है आपका प्री मेडिकल। सो होपफुली आप सभी लोगों को सारी जानकारी पता चल गई होगी। अब अगर कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता दे सकते हैं। उसके अलावा ये सारे PDF आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन उसका लिंक, अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू गाइज, सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो होपफुली आप अपनी ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट करें और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।